माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में बुधवार को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त जनसभा हुई। शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर रानी की सराय क्षेत्र के चेकपोस्ट कोटला के पास मैदान में तीनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचे। तीनों नेताओं ने दोनों लोकसभा आजमगढ़ और लालगंज के प्रत्याशियों को वोट की अपील किया। बसपा प्रमुख मायावती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रहा। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सभा करने पहुंची मायावती ने कहा कि हमारे गठबंधन से भाजपा वाले घबराए हुए हैं। हमारे सामाजिक गठबंधन से BJP का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी गड़बड़ हो गया है, इसलिए तरह तरह की साजिश कर रहे हैं। कभी गठबंधन को महामिलावटी बताते हैं तो कभी शराब बताते हैं और कभी खुद को पिछड़ा बताते हैं। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी कागजी पिछड़े हैं, गुजरात में अपनी सरकार के दौरान जुगाड़ करके अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े में शामिल कर दिया है। वे नकली पिछड़े हैं, असली पिछड़े जन्मजात अखिलेश यादव हैं। मायावती ने कहा कि बाबा साहब ने पिछड़ों दलितों के साथ ही मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया था। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए 2007 में जब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ सामाजिक भाईचारे के आधार पर अपनी सरकार बनाई तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने पिछड़े समाज के अति पिछड़े लोगों को बांटना शुरू कर दिया। पिछड़ों को बांटने के लिए कई संगठन और पार्टियां बनवा दी गईं। चुनाव के दौरान कुछ पार्टियों को पैसा देकर बैठा देते हैं और कुछ को 1-2 सीट देकर चुनाव लड़ा देते हैं। इन लोगों ने केवल बांटो और राज करो की नीति पर राजनीति की है। इन लोगों ने समाज में ही नहीं अखिलेश के परिवार को भी बांट दिया ताकि वोटों को काटा और बांटा जा सके। मायावती ने कहा कि यह गठबंधन टूटेगा नहीं, केंद्र से मोदी सरकार ही नहीं यूपी से योगी सरकार भी उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि BJP सरकार केवल पूंजीपतियों की चौकीदारी में लगी है। इनकी सरकार में देश के किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। इनके शासन में छोड़े गए आवारा पशुओं ने किसानों को परेशान कर रखा है। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी बुरी तरह से दुखी हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार भी काफी बढ़ गया है, रक्षा सौदे भी अछूते नहीं रहे हैं। और मुझे
बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सभा को संबोधित करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक हुए 5 चरण के चुनाव में गठबंधन बहुत आगे है। यह महामिलावटी नहीं, महापरिवर्तन लाने वाला गठबंधन है। अभी तक दलितों और पिछड़ों को जो भी अधिकार मिले हैं, उस अधिकार को दिलाने वाला गठबंधन है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया उसके उलट काम किया। किसानों को मुनाफा देने का वादा किया और खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी कर ली। नौजवानों ने सोचा था कि नौकरी मिलेगी, लेकिन नोटबंदी और GST से करोड़ों नौकरियां छीनने का काम किया। चाय वाले अब चौकीदार बनकर आ गए हैं, इनकी चौकी छीननी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा ने बहुत काम किया है। जिस तरह से एक्सप्रेसवे लखनऊ दिल्ली से जुड़ने जा रहा है, उसी तरह गठबंधन भी दिल्ली लखनऊ से जुड़ने जा रहा है। जो हमारी गंगा जमुनी
पूर्वांचल में पहली बार आजमगढ़ में अखिलेश मायावती के साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी मंच साझा किया। जनसभा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती के भतीजे आकाश आनंद, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के रानी की सराय में महागठबंधन की रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर हुंकार भरी, खुद को यहां से नजदीक से जुड़ा होना बताया, कहा कि यहां कई बार आया, कई विधानसभा क्षेत्र में गया। उन्होंने कहा कि आज वोट के लिए आया हूं, मदद कर देना और ऐसा करना कि लगे कि आजमगढ़ वालों ने कुछ किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे महामिलावटी कह रहे हैं लेकिन यह महापरिवर्तन है। रैली के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भी अखिलेश यादव पीएम मोदी पर तल्ख दिखे, कहा कि वह प्रचार मंत्री के साथ साथ 180 डिग्री वाले पीएम हैं, जो वादे करते हैं भूल जाते हैं। वादा किया था कि नौकरी देंगे लेकिन जीएसटी व नोटबंदी से लाखों नौकरियां छीन ली। आतंकवाद व नक्सलवाद खत्म होने की बात कही थी लेकिन इधर बढ़ गया है। परिवारवाद के आरोप पर कहा कि आपको नहीं दिखाई देता कि बीजेपी वाले दो शपथ लेते हैं, एक संविधान की दूसरी आरएसएस की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन देश को नई सरकार और नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। करें जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, आजमगढ़ में कई बार हमें आने का मौका मिला है। उस समय भी हम आए जब राजनीति की शुरुआत थी, तब भी यहाँ की जनता ने समाजवादियों की मदद की और कई बार दूसरे लोगों के लिए वोट मांगा है। मैंने एक एक विधानसभा में अगर जाने तो न जाने कितनी बार आए हैं, तो इस बार हम अपने लिए भी सबसे निवेदन करने आए और हमें भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता ऐतिहासिक वोटों से मदद करेगी। देखिए प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि ये प्रचार मंत्री जी के साथ साथ 180 डिग्री प्राइम मिनिस्टर हैं। जो बात कहते हैं वो भूल जाते हैं, जो उन्होंने वादे किए थे उसका जस्ट उल्टा काम करते हैं। वादा ये किया था करोड़ों नौकरी देंगे लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने करोड़ों नौकरी छीन ली। वादा ये किया था कि नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा लेकिन इधर जो दिखाई दे रहा है नक्सलवाद भी बढ़ा है और आतंकवाद की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो ये हमारे 180 डिग्री वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री जितनी भी रैली कर रहे हैं खासतौर से आपके ऊपर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आपने परिवारवाद को बढ़ावा देने से कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा परिवारवाद है जो दिखता नहीं है आपको, उनके परिवारवाद की वजह से वो दो शपथ लेकर के बैठे हुए हैं। दो शपथ वाले हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक आरएसएस की शपथ, एक संविधान की शपथ, और वो भूल जाते हैं कि कब संविधान से काम करना है, कब आरएसएस वाली शपथ के से काम करना है। भैया हमारे कहते कि आप लोगों के केंद्र में मायावती के पिताजी बने हैं जबकि जो मुझे पहचान ले वो मेरे दम पे मिले, क्या कहेंगे सर? अब ये तो भगवान ने जहाँ जन्म दे दिया वहाँ जन्म हो गया। अब बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम भैंस चराएं, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं किसी का। भैया ये केंद्र में अखबार में खबर छपी कि आपने बयान दिया कि केंद्र में मायावती जी को और प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने को लिए समर्थन। मैं अखबार की खबर नहीं बता रहा हूँ लेकिन महागठबंधन नई सरकार नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। मंत्री कौन होगा आप या मायावती जी? आजमगढ़ संसदीय सीट पर दिलचस्प होते जा रहे चुनावी मुकाबले में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल कुछ दावा नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का स्टारडम क्या जलवा बिखेरता है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि यह जरूर तय है कि आजमगढ़ सीट इस बार इतिहास जरूर रचेगी, फिर चाहे अखिलेश जीते या निरहुआ।
यह भी दिलचस्प होगा कि जिस सीट से बाप जीत के गया उसी सीट से बेटा हार कर जाता है, या फिर रियल लाइफ के हीरो को पहली बार हार नसीब होती है। पूरे देश में आजमगढ़ संसदीय सीट इन दिनों चर्चा में है। सपा का गढ़ समझे जाने वाले आजमगढ़ के पूर्व इतिहास को देखें तो यहाँ समाजवादी लहर उस समय भी रही है जब राम लहर व मोदी लहर रही है। सपा का परचम यहाँ से बुलंद रहा है। वहीं आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के लिए मोदी के करिश्मे के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन निरहुआ की कड़ी मेहनत, क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क, सभाएं इतिहास पलटने का भी कारण बनती नजर आ रही हैं। बुआ बबुआ की जोड़ी न होती तो मुश्किलें जरूर नजर आती। आज की स्थिति यह है कि निरहुआ जो है वो भी अपने प्रचार में लगे हुए हैं, गाँव-गाँव जा रहा है और हर जगह अपना काफ़ी प्रचार कर रहा है, और अखिलेश यादव के भी जो है कार्यकर्ता अपने कार्य में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा कर के प्रचार कर रहे हैं, और जो है ऐसा उम्मीद लगता है कि जो है निरहुआ का भी काफ़ी कार्यकर्ता लगने से लग रहा है कि चुनाव में अच्छा फाइट करेगा वो। क्या कहने का मतलब है कि एक जो चुनाव जो लड़ रहा है नहीं, ऐसा है कि अखिलेश यादव चूँकि एक अच्छा नेता रह चुके हैं पहले भी, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का अच्छा रहा है और अभी तक वही जीतता आया है, लेकिन जो है इस बार जो चूँकि माहौल में थोड़ा मोदी जी की वजह से निरहुआ का भी वोट अच्छा खासा पड़ने की उम्मीद लग रही है। नहीं, सपा तो लड़ाई में अच्छी खासी है, उसमें सपा में तो यह है कि वोट उसे अच्छा मिलेगा, लेकिन यह है कि निरहुआ भी काफ़ी मेहनत जिस तरह से कर रहा है ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा वोट वो भी पाएगा। अब जीतना तो जो है ये नहीं बताया जा सकता कि कौन जीत जाएगा, लेकिन यह है कि अभी तक जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है जो निरहुआ कर रहा है इससे लग रहा है कि अच्छा वोट पाएगा वो। भाई वो राष्ट्रीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जिले के, उनके बाप के सांसद सीट है, वो अपना लड़ रहे हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। भाजपा के नेता अभी तक आए नहीं है यहाँ प्रचार करने के लिए, भाजपा का नेता है जो यहाँ घर घर प्रचार से क्या मतलब, वो विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है उनका, और का प्रचार थोड़ा बोल रहा, उनका काम बोल रहा है अखिलेश यादव का। जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को जब टिकट मिला भाजपा से तो ये नहीं था कि पूर्व मुख्यमंत्री आजमगढ़ जिले से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो ये आजमगढ़ का एक माहौल था कि हाँ अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दिनेश लाल यादव जनता के बीच नुक्कड़ सभा घूम घूम कर, जैसा कि मेरे देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी स्थिति जनता के प्रति, जनता उन्हें बहुत लगाव से देख रही है और ये भी जान रही है कि ये प्रत्याशी हमारे बीच घूम रहा है, ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारी मदद करेगा। उन्होंने तमाम भाषणों में ये भी कहा कि अब मैं बम्बई नहीं जाऊंगा, बम्बई के लोग जबकि आजमगढ़ में आएंगे, तो इससे लोगों को ये माहौल जहां तक मेरे देखने में लग रहा है कि आजमगढ़ की जनता ये सोच रही है कि ये हमारे बीच रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। जैसे कि आप पिछली बार के चुनाव को देख लीजिए, उसमें अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े, उन्होंने जीतने के बाद कभी प्रमाण पत्र लेने भी आजमगढ़ नहीं आए, तो ऐसा लोगों में कभी इस 2019 के चुनाव में मुझे देखने में नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कह रहा है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, कि मुलायम सिंह यादव की वजह से ये अखिलेश यादव भी इस बार जीतेंगे तो फिर वो भी 5 साल के बाद ही दिखेंगे, ऐसा जनता का माहौल है, जनता के बीच बात चल रही है और लोगों का ये कहना है, और दिनेश लाल यादव पहले से बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है। चलो बूथ की ओर के आह्वान के साथ जिला प्रशासन के नेतृत्व में बुधवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सेवाकांत द्विवेदी व सामान्य प्रेक्षक अभिषेक चंद्रा के नेतृत्व में निकली इस रैली के दौरान मतदाताओं से 12 मई को मतदान करने की अपील की गई। घर घर
श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर से निकली इस मतदाता जागरूकता रैली ने पूरे नगर का भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी व सामान्य प्रेक्षक अभिषेक चंद्रा ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के महाउद्देश्य को लेकर यह महारैली निकाली गई है। आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है और आप देख रहे हैं, जानते हैं कि पिछले दिनों में लगातार हम लोग ये प्रयास करते रहे हैं कि मतदाता अपने घरों से बाहर पोल डे पर निकले और मतदान करे, जिससे जनपद का पोल परसेंटेज बढ़े। आज एक प्रयास यह भी है कि आज हम लोग इस स्थान से निकल रहे हैं और पूरे शहर में घूमते हुए लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि 12 मई ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। 5 साल के लिए ये दिन आता है, 5 साल में एक दिन आता है, एक बार आता है, तो लोग आएँ और अपना वोट जरूर डालें। जो DM साहब ने जो रैली निकाली है उस पर हम लोग समर्थन देते हैं और हम चाहते हैं कि लोग बड़े जो है, लास्ट टाइम जो परसेंटेज था 57%, उससे जो है इंक्रीज़ करके इस बार आए। स्पेशली जो है, अगर हमारे इतने अच्छी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं तो उससे देखकर जो है लोग उससे प्रोत्साहित हुए और आ जाए इन लार्ज नंबर्स। चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कार्मिकों को 2 चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विभिन्न कारणों से कई मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण छूट गया, वे अनुपस्थित रहे। ऐसे छूटे हुए मतदान कार्मिकों को जिला प्रशासन ने बुधवार को अंतिम अवसर प्रदान किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक एवं प्रशिक्षण DS उपाध्याय ने बताया कि नियत प्रशिक्षण में लगभग 400 मतदान कार्मिक विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहे थे, जिन्हें बुधवार को नेहरू हॉल के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। छूटे हुए मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 पालियों में किया गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगाई गई पूरी टीम अब तैयार है। 11 मई को नियत किए गए 4 रवानगी स्थलों से पोलिंग टीमों को उनके पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। जो हमारे मतदान कार्मिक छूट गए थे, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और आज 400 लोगों को दोनों पालियों में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और काफ़ी लोग आए हुए हैं, अनुपस्थिति एकदम नहीं है और बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, ये लोग पूरी टीम हमारी तैयार हो गई है, सब लोग प्रशिक्षित हो गए हैं, कहीं कोई व्यक्ति वंचित नहीं है। 17,344 लोगों को हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं, चाहे वो मतदान कार्मिक हो, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, जोनल मजिस्ट्रेट हो, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हो, माइक्रो ऑब्जर्वर हो, मास्टर ट्रेनर, सभी लोगों को तैनात किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने एरिया में काम करेंगे, कहीं कोई मशीन खराब होती है तत्काल पहुंच कर उसको ठीक किया जाएगा और मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की पूरी योजना हम लोगों ने बना रखी है। 11 तारीख को रवानगी है, पार्टियाँ प्रस्थान करेंगी 4 जगह से और ये जानकारी सबको दे दी गई है। सबके नियुक्ति पत्र में ही ये लिख दिया गया है कि आपकी पार्टी कहाँ से मूव करेगी। ITI परिसर से 3 पार्टियाँ मूव करेंगी, 3 विधानसभा की, अतरौलिया, सगड़ी और गोपालपुर की। कोटवा कृषि महाविद्यालय से निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, 3 जगह की पार्टी प्रस्थान करेगी। चंडेश्वर PG कॉलेज से आजमगढ़ सदर की और मुबारकपुर की पार्टी प्रस्थान करेगी और डेंटल कॉलेज से 2 जगह की लालगंज और मेहनगर की पार्टी प्रस्थान करेगी। इस तरह की 10 विधानसभाएं हमारी 4 जगह से प्रस्थान करेंगी।